हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर 11, व्हाट डू दे हैव, मतलब उनके पास क्या है। जैसे ए नॉर्वेल हैज़ वन लॉन्ग टस्क, ये नॉर्वेल फिश है, मछली है, जिसके पास एक लंबी टस्क यानी दांत है। पापा सी हॉर्स हैज़ ए पॉन्च फॉर His babies, मतलब सी हॉर्स एक समुद्री घोड़ा है जिसके पास एक पॉन्च होता है यानी एक थैली होती है फॉर हिज बेबीज, उसके अपने बच्चों के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स बनाना है, विच एनिमल्स हैव दीज, मतलब किस एनिमल्स के पास ये होता है, जैसे कि ये सब दिया है और वो किसके, कौन से एनिमल्स के पास होता है, उस एनिमल्स का नाम नोट करना है। और यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे मैंने का मतलब क्या होता है, पशुओं जिसके गर्दन पे एक बहुत सारे लंबे बाल होता है, यानी पशुओं के गर्दन पर लंबे लंबे बाल, मीन्स मैन का होता है, तो वो किस एनिमल्स के पास होता है, लायन के पास होता है और हॉर्स के पास होता है, ये इसमें से चूज करके लिखना है। सेकेंड सेल मीन्स खोल, ठीक है, मतलब खोल किस एनिमल्स के पास होता है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है टोर्टराइज, मतलब कछुआ के पास, और ओस्टर, इन दोनों एनिमल्स के पास क्या होता है, सेल होता है, तो उसका नाम यहाँ पे नोट करना है। थर्ड स्केल्स मीन्स होता है लिब्रा, तो वो किस एनिमल्स के पास होता है, फिश एंड स्नेक, इसमें से चूज करके लिखना है। और यहाँ पे एनिमल्स का भी पिक्चर दे दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर को ट्राई करेंगे खुद से बनाने की। जैसे कि टस्क मीन्स क्या होता है, दांत, और इसमें कौन सा एनिमल्स होगा, इसमें से आपको चूज करके यहाँ पे लिखना है। हॉर्न्स हो गया, हॉर्न्स किस एनिमल्स के पास हो गया, टस्क हो गया, मतलब टस्क इसमें से क्या होगा, एलिफेंट के पास भी दांत होता है, तो क्या एलिफेंट दिया हुआ है इसमें, तो उसमें से खोज कर लिखेंगे जो जो एनिमल एलिफेंट यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिफेंट, और एक और ऑप्शन, दो एनिमल्स का नाम लिखना है जिसके पास टस्क है। तो स्टूडेंट्स इसको आप खुद से बनाएंगे। हॉर्न्स हो गया, हॉर्न्स मतलब सिंग हो गया, सिंग किस एनिमल्स के पास होता है, इसमें से आपको चूज करके लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स योर क्लास इज़ ओवर, यू मेक दिस स्पेस के, बाय बाय स्टूडेंट्स।